फ्रेंड्स, दिस इज़ मंजू एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फेस्टिवल्स की जो वाइब होती है ना, वो हैप्पीनेस वाली, उसकी तो बात ही अलग होती है। दिवाली के बाद जो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है वो है क्रिसमस। जी हाँ दोस्तों, मैं तो बिल्कुल वेट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दिवाली मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारी डेकोरेशंस करनी होती हैं, और जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, और यही कारण है कि मैंने अभी तक दिवाली डेकोरेशंस उतारी ही नहीं थी। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्रिसमस की डेकोर करने से पहले इसको उतार लेते हैं। आई नो आई एम ऑलरेडी लेट फॉर दिस, बट क्या करूँ, मन ही नहीं कर रहा था उतारने का, इतनी मेहनत से जो करी थी। तो चलिए पहले इस चीज़ को पैक कर लेते हैं और अनपैक करते हैं क्रिसमस की डेकोरेशंस को। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर लवली डेकोर आइडियाज फॉर क्रिसमस। इतने प्यारे लगेंगे आपको कि आई एम श्योर आप और आपके बच्चे सबको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से DIY फॉर क्रिसमस। इंडिया में लोगों में क्रिसमस को लेके इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पागल क्यों क्रिसमस के लिए, मुझे तो सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वो हैप्पी वाली वाइब होती है ना फेस्टिवल्स की, वो बहुत बढ़िया लगती है। और क्रिसमस में तो इतने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट डेकोर्स होते हैं, तो ये फेस्टिवल तो मेरा हमेशा से ही फेवरेट है। और शादी के बाद ये और भी ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल बन गया, क्योंकि माई एल्डर सन इज़ बॉर्न ऑन क्रिसमस। तो बस फिर क्या था, उसके हर बर्थडे पे भर भर के डेकोरेशंस करते थे। आई गॉट रीजन टू सेलिब्रेट क्रिसमस मोर एंड मोर। क्रिसमस वो भी पाइन कॉन्स के बिना नॉट पॉसिबल। तो ये पाइन कॉन्स मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे जब वो शिमला गई थी। वैसे मैं जब भी कहीं भी हिल स्टेशन जाती हूँ, इनको ज़रूर कलेक्ट करके लेकर आती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अब जब आप जाइएगा तो कलेक्ट करना मत भूलिएगा। Thank you.
अब आ जाती है क्रिसमस रीत की। ये क्रिसमस रीत मैंने लास्ट ईयर बनाया था क्रिसमस वाले दिन, मतलब क्रिसमस से पहले, पर इसको अब थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत है, थोड़ा लूज़ हो गया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं और इसको एक थोड़ा सा एक रेड कलर और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। इसको एक बेस प्रोवाइड करना है ताकि ये नीचे लटके ना, क्योंकि लटकता रहता है। तो ये है एक पुराना बोर्ड, इसमें शायद कुछ फ्रूट्स वाली बास्केट का बेस था तो मैंने संभाल के रख लिया था। तो चलिए अब अपनी रीत को थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं। ये फ्रूट बास्केट्स मेरे पास बहुत देर से हैं, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स आए थे, कुछ गिफ्ट पैकिंग थी, तो हमेशा मैं ऐसी चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ। और मैंने ये बहुत साल पहले इसमें ये लीव्स लगाए थे कुछ बचे हुए फ्लावर्स से। तो चलिए अब मैंने एक MDF बोर्ड लिया है जिसमें मैरी क्रिसमस लिख दिया है। इसी तरीके से जब मेरा मन करता है कभी वेलकम लिख देती हूँ या कभी कोटेशंस लिख देती हूँ इन बोर्ड्स के ऊपर। तो चलिए देखिए, एक और हमारे घर के बाहर के लिए जो है, ऑफकोर्स एंट्री में भी तो कुछ होना चाहिए। तो चलिए बन गया एंट्री के लिए भी। तो चलिए DIYs तो कंप्लीट हो गए, अब आ रही आती है थोड़ी सी शफलिंग की। तो इस फर्नीचर को हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सामने चाहिए क्रिसमस ट्री। तो लीजिए क्रिसमस, ये सारी शफलिंग कर लिए और चलिए लगाते हैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री के लिए हमने लास्ट ईयर स्कर्ट भी बनवाई थी एक पुराने फैब्रिक से ही, मतलब आप फैब्रिक मार्केट से भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने स्टेंसिल से स्नोमैन बना दिया है और कुछ स्नोफ्लेक्स बना दिए हैं।
फ्रेंड्स, दिस ऑल फॉर टुडेज क्रिसमस डेकोरेशन। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कौन सा डियर भाई आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।